हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्वीट कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके से शेयर कीजिए देखिए यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा है रेलवे न्यू वैकेंसी दो लगभग दो लाख पचास हज़ार ट्वीट हो चुका है और इसको कंटिन्यू करना है ठीक है यहाँ पे देखिए सारे जो टीचर्स हैं जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं सभी ने अपना यहाँ पर योगदान दिया है इसमें तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग भी इसमें योगदान दें देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ट्वीट किया जा रहा है रेलवे न्यू वैकेंसी दो और कुमार गौरव सर ने भी यहाँ पर वीडियो बना के जारी किया था कैलेंडर जारी करो रेलवे न्यू वैकेंसी इस तरह से सारे ट्वीट हो रहा है मतलब जितना ज्यादा ज्यादा जा, हो सके एट ट्वीट कीजिए देखिए ट्वीट करने से क्या होगा एक प्रेशर क्रिएट होगा तो सरकार क्या है एक कैलेंडर जारी करेगी और हम लोग का डिमांड कितना है हम लोग का डिमांड बस थोड़ा ही सा है कुछ ज़्यादा नहीं है बस यही कि जितना जल्द से जल्द हो सके न्यू वैकेंसी का कैलेंडर जारी कीजिए अब देखा जाए तो बहुत सारा सीट खाली है बहुत सारा वैकेंट है खुद खुद लोकसभा में जब विपक्ष के द्वारा सरकार से पूछा गया कि कितना सीट खाली है पूरे गवर्नमेंट सेक्टर सभी में को सभी क्षेत्र से मिला तो सरकार ने खुद इसको लिखित तौर पर ब्यौरा दिया लगभग दस लाख सीट वैकेंट है तो सोचिए अगर 10 लाख सीट को वैकेंट किया जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा कितने परिवार का मतलब जीवन यापन सही से चल पाएगा तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट हो सके सभी को जोड़िए ठीक है ठीके? क्योंकि बिना ट्वीट का होगा नहीं कुछ सरकार पे जितना मतलब बिना ट्वीट का तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है पहले ट्वीट कीजिए फिर वैकेंसी आएगा फिर ट्वीट कीजिए उसके बाद एग्ज़ाम होगा फिर ट्वीट कीजिए तो रिजल्ट आएगा तो बस सब कुछ ट्वीट पर ही टिका हुआ है स्टडी कम और ट्वीट ज़्यादा करना पड़ रहा है स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत ही मतलब सिस्टम को थोड़ा सा जो है चेंजेस करने का ज़रूरत है बहुत सारे ऐसे भी एग्ज़ाम हैं जैसे आपको यू हो गया इसमें किसी भी तरह का आपको ट्वीट करने का जरूरत नहीं पड़ता एक कैलेंडर जारी कर दिया जाता है और उस कैलेंडर के हिसाब से ही सब कुछ किया जाता है यहाँ देखिए खान सर ने भी सपोर्ट किया है इसको ठीक है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा होगा क्योंकि कैलेंडर के बिना और एक एग्ज़ाम्स एक पॉइंट होना चाहिए ना जैसे मान लीजिए रेलवे में पिछले चार साल से किसी भी तरह का कोई सीट नहीं आया है तो कैसे क्या किस उम्मीद से बच्चे प्रिपरेशन करते रहेंगे ठीक है कोरोना के कारण नई भर्ती में जो है उम्र का छूट देना चाहिए पुरानी तथा नई भर्ती का संपूर्ण कैलेंडर होना चाहिए जो वेटिंग अभी दो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें वेटिंग होना चाहिए क्योंकि उसमें 40 टू फिफ्टी परसेंट जो है बच्चे आगे चल के ग्रुप डी का जो आप छोड़ देंगे फिर वो सीट वैकेंट हो जाएगा तो उसको जो है इसी जो जो दो के छात्र उसी को लाभ मिलना चाहिए ठीक है और ना कि इस सीट वैकेंट हो जाए तो आगे फिर जोड़ देना चाहिए तो ये सब कुछ है जिसका मांग किया जा रहा है मैं आप सभी से चाहूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्वीट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को और सभी को बोलिए ट्वीट कीजिए चलिए मिलते हैं कुछ और अपडेट के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल